डायरेक्टिव और प्रस्पेक्टिव काउंसलिंग डायरेक्टिव और प्रस्पेक्टिव काउंसलिंग से हमारी क्या मुराद है और ये किस तरह एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग बन जाती है जब हम डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करते हैं तो इसमें जो काउंसलर है उसका किरदार बहुत अहम है बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो काउंसलर है वह सेंटर ऑफ अटेंशन होता है काउंसलर जो है वो मेन सोर्स होता है जिसके जरिए स्टूडेंट अपना रवैया जो किसी भी किस्म का हो सकता है उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करता है हम जब डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि यह काउंसलर सेंटर्ड होता है इससे मुराद ये है कि जो काउंसलर है वो अपनी राय देता है बल्कि वो इस चीज़ का इजहार करता है कि स्टूडेंट का ये मसला है और इसका हल ये है इसीलिए इसका नाम डायरेक्टिव काउंसलिंग रख दिया गया है इसमें जो काउंसलर की राय है वो बहुत अहम होती है और आमतौर पर स्टूडेंट को यह कहा जाता है कि जैसे काउंसलर या टीचर अगर वो खुद काउंसलर के तौर पर उभर के आया है कि जैसा वो कह रहे हैं आप वैसा करें तो इसमें तो जो बहुत जरूरी किरदार है वो काउंसलर का खुद है इसके लिए बहुत जरूरी है दैट अ काउंसलर इज प्रॉपरली ट्रेनड टू गिव दैट काइंड ऑफ परस्पेक्टिव क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट है ही और शी इज आज टू टू टेक सर्टन स्टेप्स डायरेक्टेड बाय द काउंसलर तो so, इसमें अगर टीचर जो है वो ही काउंसलर है तो फिर टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि टीचर जो राय दे रहा है उस राय को जो है वो बेस होना चाहिए उसके तजर्बे पर और उसकी उसके नॉलेज पर और इसके साथ साथ इट हैज़ टू बी सम वॉट रिसर्च बेस्ड क्योंकि अगर हम स्टूडेंट को गलत राय दे देते हैं और वो उस राय पर अमल करता है तो हो सकता है कि स्टूडेंट कैन बी मिसलेड एट टाइम्स तो इसमें डायरेक्टिव काउंसिल काउंसलिंग में जो टीचर है या काउंसलर है उसका रोल जो है वो बेहद अहम है इसके अलावा वट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट काउंसलर टेल्स अबाउट what इज रॉन्ग एंड वट इज राइट इसमें इसी वजह से इस बात पर बेहद जोर दिया गया है कि एक प्रॉपर जो है नॉलेज बेस के साथ आप स्टूडेंट को राय दें क्योंकि इसमें जैसे कुछ और टाइप्स हैं जिनमें स्टूडेंट की राय भी बहुत अहम होती है डायरेक्टिव काउंसलिंग में ऐसा नहीं है डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो काउंसलर खुद है उसकी जो राय है उसका जो तजर्बा है और उसकी जो भी नॉलेज बेस है जिसके तहत वो कोई बात कर रहा है उसको बहुत वजन दिया जाता है सो बेसिकली ही और शी टेल्स द स्टूडेंट वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू सो दैट मेक्स इट अ मैटर ऑफ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी काउंसलर इसके साथ साथ जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो है वो बहुत ज़रूरी माना जाता है इसमें इमोशनलिज्म को इतनी जो है वो वेटेज नहीं दी जाती इसमें जो इंटेलेक्चुअल परस्पेक्टिव है वो बहुत अहम होता है यानी काउंसलर की तरफ से जो इंटेलेक्चुअल थॉट आ रहा है या जो भी सोल्यूशन वो लेकर आ रहा है विच इज बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ रैशनल और सम काइंड ऑफ रीजनिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन समथिंग विच इज बेस्ड ऑन एन इमोशनल आउटपुट इस वजह से यह कहा जाता है कि जो नॉलेज बेस है इट इज बेस्ड ऑन अ काइंड ऑफ अ रैशनल आर्ग्यूमेंट विच इज गिवन बाई दी काउंसलर

काउंसलर जो है वो अपनी बात करता है अपनी राय देता है और फिर स्टूडेंट को उसके ऊपर एक्ट करना होता है सो इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग जहां स्टूडेंट जो है अगर सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस में उसको डाल दिया जाता है सो दैट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एज अपोज टू दिस काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसीजर वेयर द से ऑफ द काउंसलर और द टीचर इज समथिंग विच इज गिवन अ लॉट ऑफ वेटेज